तो गाइस स्वागत है सबका वॉरियर नामा के गेमिंग यूट्यूब चैनल में। गाइस तो गाइस ये गेम प्ले एकदम कतई जहरीला होने वाला है। तो हम लोग अभी हम जाने वाले स्टेडियम, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टेडियम जल्दी से चलते हैं क्योंकि पता नहीं कोई बंदा आ जाएगा। मुझे अंदर से विश्वास हो रहा है कि बंदा आ जाएगा। जब तक उतरता तब तक मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है पबजी मोबाइल का सीज़न 13 रॉयल पास का। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो करिएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लूटपाट किया है, कोई भी बंदा स्टेडियम पे आया नहीं था। तो हम अपना क्या करें, आप लोग को भी लूटपाट क्या दिखाना। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे यूएसएड लेने। तो यहाँ पे यूएसएड जैसे ही लेते हैं तभी हमको पता चलता है कि बंदा है। और जब जाके देखते स्टेडियम पे बंदा, तो दो बॉट एक दूसरे से लड़ रहे थे। तब भी गाइस केडी बचाने के लिए था, मतलब केडी मेंटेन हो गया हमारी, दो केडी मेंटेन हो गया इन दो बॉट को मारने के बाद। तो आगे का देखते हैं कितना केडी मेंटेन होता है। तो यहाँ पे गाइस बीच में से ही कर रहे थे, जो आप समझिए लफापंती हम लोग कर रहे थे। और आ गए यहाँ पे ड्रॉप पे, ड्रॉप पे हमको कुछ, हमको M249 चाहिए नहीं था क्योंकि आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए M249 का कितना गंदा हम स्प्रे देते हैं। तो यहाँ जब हम लोग लूट के जाते हैं कोई बंदा आता नहीं है और हमको आगे सामने से फायरिंग के शॉट्स आते हैं। तो कतई हम लोग जाते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जाके देखने पे पता चलता है कि एक स्क्वाड पूरा एक बॉट पे अत्याचार कर रहा है। तो हम से सहा नहीं गए और हम गाड़ी लेके चल गए। हमने दो को रंगेदा पर एक ही पता नहीं क्यों नॉक हुआ। इसके बाद फिर से एक को किए और तब तक हमारी गाड़ी अधजली हो चुकी थी। तो हम इस बंदे को कैसे तैसे करके शंकर जी को हमने UMP 9 से फोड़ा और इसके बाद ये पूरा स्क्वाड को कतई जहरीले तरीके से मार दिया। अगर आपको कतई पसंद आया स्क्वाड को मारने पे तो लाइक तो बनता है गाइस, कतई लाइक कर दीजिए गाइस। मैं पहले देख रहा हूँ बहुत वीडियो से लाइक कोई करता है नहीं और सब्सक्राइब भी नहीं करता, तो कर दीजिएगा ये वाला सीन देखे कर दीजिएगा। तो इधर हम जाते हैं अपना अधचली गाड़ी लेके, हमको डर रहता है पता नहीं यहाँ पे पता नहीं कोई बंदा आ जाता है। तो यहाँ पे टूटी फूटी स्टील की गाड़ी से कवर लेते हुए हील करते हैं काई को। पहली बात हम लोग हील नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। और यहाँ पे क्राउच प्रोन जितने बटन थे सब मैंने दबा दिए और इसको नॉक किया। और तभी मुझे पता चलता है उधर से कोई बंदा उधर डेंजर है, तब भी हम हील छोड़ के पहले नॉक बंदे को मारते हैं। काई को केडी मेंटेन जरूरी है, 7 KD हो चुकी है, 7 KD बोल रहा हूँ किल हो चुकी है और KD भी अच्छी तरीके से मेंटेन हो चुकी है। ऐसे 2 KD है, आगे और ज़्यादा हो जाए तो अच्छी KD बन जाएगी। इधर सभी नॉक बंदों को कतई जहरीले तरीके से मारते हुए अभी हम लोग हीलिंग कर रहे हैं कि हीलिंग प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे ऐसे। अगर आपको और यहाँ पे हमको एक बॉट दिखा तो इस बॉट को मारना जरूरी है। तो या इस बॉट को मारते मारते मेरे पीछे से भी एक आगे पता नहीं बंदा था, बट जब पीछे देखता हूँ तो बॉट था भाई। मेरे ज़िंदगी में बॉट का कोई मतलब कि कमी है ही नहीं। इस बॉट को मारा, उस बॉट को मारने के बाद हम पूरा फिनिश कर दिए। पता नहीं वो बंदा कोई फायरिंग कर नहीं रहा था और मेरा बॉट को किल किसी ने, इसी बंदे ने मेरे ख्याल से चुरा लिया। तो इधर देखता हूँ एक बंदा आराम से लेट के, पता नहीं ऑफलाइन होगा क्योंकि मैं इसको मार रहा हूँ, कुछ कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे मेरा एम असिस्ट का गलती है कि गोली नहीं लग रहा है, सीरियसली नहीं लीजिएगा, एम असिस्ट मैं यूज़ करता हूँ और सब जानते हैं पूरा पबजी लाइट का बंदा यूज़ करता ही होगा। तो इधर लेटे हुए बंदे पे नहीं लग रहा था, कैसे तैसे करके हमने किया। और मैं क्या बोलता हूँ, मेरे ज़िंदगी में बॉट की कमी तो है नहीं। हम फिर से गए यहाँ पे, बॉट आराम से बैठा हुआ था, हमने इस बॉट को भी मारा। हम झूठ नहीं बोलते भाई, बॉट को हमने मारा। और यहाँ पे बॉट को मारते मारते हमारी UMP की चली गई थी, सारी गोलियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तब भी हम भाई उधर से फिर से गोलियाँ पड़ने लगी, तब भी हम भाई नॉक बंदे को कैसे छोड़ सकते हैं। हीलिंग को बंद करके पहले नॉक बंदे को किया और देखे कहाँ पे बंदा है। उतना देर से मुझे लग रहा था यही बंदा मार रहा है, पर क्या करें,
बंदा हमको दिखा इधर, अपना मुंडी दिखाया हुआ था। हम सिंगल टैप से कतई मार रहे थे, बट इस बंदे को पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी खा के आया था कि मरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे यहाँ पे मेरी स्नाइपिंग की भी गलती है। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे स्नाइपिंग भाई करना अच्छा नहीं आता ही नहीं करने, तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस। स्नाइपिंग तो मैंने की तो थी नहीं, तब भी यहाँ पे पहले नॉक बंदे को हमने मारा क्योंकि हमको डर था कहीं फिर से नॉक बंदे का कोई किल ना चुरा ले। मुझको पता है कितना दुख होता है, पर मैं भी चुराता हूँ। हाँ वो छोड़िए, मैं चुराता हूँ तो कुछ नहीं होता है भाई, अपना मतलब केड़ी बचाने के लिए चुराना पड़ता है किल। और यहाँ पे उस बंदे को डरा के आराम से जा रहे थे, आराम से लूट कर रहे थे, क्योंकि हम है शेर के पुत्र, हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। बट जब यहाँ पे ये आया तो भाई साहब मेरी फट के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि देख सकते हैं मैं मरते मरते गाइस बचा। क्या करे, मरते मरते बचा मैं, अब सोच नहीं सकते। इधर में तभी ड्रॉप गिरा तो हम इधर मार रहे थे, इन दो बंदों को मार रहे थे। तो देखिए आगे हम क्या बोल सकते हैं, मार रहे थे, नॉक भी किए। एक बंदा तो हाथ से निकल गया, पर जब दूसरे बंदे को देखिए हमने कितना मारने का, मतलब कि इस पता नहीं गोलियों का डैमेज किधर चले जाता, जब मैं इतना गोलियां मार रहा हूँ बंदा नॉक होने का नाम तक नहीं ले रहा है। देखिए देखिए, मतलब कि क्या इतने गोलियां, क्या आजकल पबजी वालों ने क्या पानी के अंदर हील करने का सिस्टम ला दिया है क्या? और इसके बाद मैं अपने क्या थोड़ी सी रिलोडिंग कर रहा था, किल चुरा लिया। और उसके बाद भाई मैं गुस्से में आया और देखिए क्या और इसी के साथ मेरा किल चोरी का बदला पूरा हुआ। अरे यार अभी भाई साहब मैंने युद्ध करके आया और फिर से यार गोलीबारी करने लगा। अरे मैं देख रहे हो एक एचपी से बचा हूँ गाइस, मैं मुझे सोच रहे मैं कितना लक्की हूँ एक एचपी से, पर मैं अनलक्की भी था क्योंकि जिस घर में मैं था इस घर में दो बंदे भी थे। और यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे पास प्लेयर भी था पर अब कुछ कर नहीं सकते थे। मैं जल्दी से नेड उड़ फेंका और यहाँ पे मैं मारने गया, तभी देखता हूँ वो भाई साहब सांप है। मैं यार सबसे पहले गया नीचे, इस सांप तो अगर मैं एक मिनट भी रहता ये सांप मेरा सत्यानाश कर देता और मेरा 13 किल के साथ गेम प्ले कतई नहीं बन पाता। मुझको लगा कि यहाँ पे ये नेड फेंका है, बट इसने स्मोक फेंका था। पर सबसे पहले गाइस मैंने नॉक वाले को मारा और इस वाले को मारने के बाद मैंने सबको फोड़ दिया। इसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा लूटपाट करने लगा, क्योंकि ऐसे ही लूटपाट कर रहा था, ऐसे ही लास्ट जन में क्या है, ऐसे ही लूटपाट करने लगा। तभी यहाँ पे मुझे यहाँ से फायरिंग आई थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से शॉट्स दिए इस बंदे को। और फिर मैं यहाँ पे देखा तो ये नहीं था बंदा, तो थोड़ी देर देखा कि अपना मुंडी निकाल ली ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहीं से तो मुंडी निकाल ले, तो मैं इसे मारूँ, पर ये नहीं हुआ था। मैं सोचा अपना पोजिशन चेंज कर लिया और यहाँ पे इसने कुछ शॉट्स दिए, मैंने भी कुछ शॉट दिए, दोनों को डैमेज हुआ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एड किट से हील करने लगा। आज कुछ ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, क्या करे अंग्रेजी सीख रहा हूँ लॉकडाउन में। तो यहाँ पे फिर से देखता हूँ अगर वो मुंडी निकालता है तो मैं इसे फोड़ दूँ, पर ये मुंडी निकालने का नाम नहीं ले रहा था। और मुझे लग रहा था, मेरे दिल से निकल रहा था कि मेरे ही मतलब कि जोन बनेगा, पर नहीं बना। उस पर जोन बना तब भी पगला कूद गया और मैंने उसको कुछ शॉट्स दिए। तभी मैंने देखा कि जोन तो मेरे पास बना है ही नहीं है,
तो मैं क्या कर सकता था। अगर मैं ऐसे खुले में जाता तो खुले ही में सब मेरे मार देता। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ धुआं हुआ छोड़ने लग गया कि धुआं हुआ छूटेगा तो दिखाई नहीं देगा ना बंदा को, इसलिए यहाँ पे कुछ धुएं हुए छोड़ रहा था। छोड़ने के बाद जैसे ही मैं जाता हूँ देखता हूँ ओ भाई साहब इधर भी बंदा है, मैं देखा नहीं था यहाँ पे भी बंदा है। तो अच्छा था, कैसे तैसे करके इस बंदे को भी मैंने फोड़ दिया। और इसके बाद मैं आराम से थोड़ा सा और धुआं फेंका, धुआं धुआं पूरा सर्वर धुआं धुआं कर दिया था मैंने। और इसके बाद मैं पीछे आया और वो बंदा को भी मैंने देख लिया कि ब्रोकन बॉल के था। तो यहाँ पे हम लोग को मारते मारते कतई मार दिए और कतई 17 किल के साथ चिकन डिनर हो गया। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया तो कतई जहरीले तरीके से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आप जैसे ही जानते हैं कि हर बार की तरह मेरा वीडियो कम पड़ जाता है बोलने के लिए, तो गाइस कमेंट भी करिए और शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। तो इसी के साथ बाय।